हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम स्टूडियो में एनएचएससी ग्रुप डी का जो आपने पेपर दिया है दोस्तों 10 तारीख को, ठीक है, उसका पूरी आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही रहते हैं फ्रेंड्स आप ये चेक कर लीजिएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आपस में जोड़ा गया, परिणामी ठोस का क्षेत्रफल कितना होगा। फ्रेंड्स आपसे ये क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नीचे आ जाइए। रबी की फसल डैश डैश के अंत में बोई जाती है। फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर के महीने में। ठीक है फ्रेंड्स, अक्टूबर के लास्ट में बोई जाती है रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा औषधि के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ताज्को होजो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के संघीय स्वरूप की सर्वाधिक भिन्न और महत्वपूर्ण विशेषता है। फ्रेंड्स का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकारों में संघ या एकता में संरचना के पृथक होने की शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा सिक्स क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 45। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये सेम क्वेश्चन हमारे मैथ का है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों मतलब पुत्र की वर्तमान आयु इसमें पूछ रखी है, इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 13 वर्ष। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु 13 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 भूत पी एक्स 4x की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 0 है तो a का मान बताओ। फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा अपना बी, ठीक है, 4 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक डेढ़ वर्ष के दौरान पारित किया गया, इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी 2016 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रेंड्स आपको इसमें जानना है कि मतलब इसमें से कौन सा मतलब ठीक रहे, इनके ऊपर मतलब ये जो आप नीचे नाम दिए हैं वी डी सावकर, लाल लाजपत राय, इनमें से किसके बारे में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए ऑप्शन डी 3 देखिए, उन्होंने एक संगठन बना जिसे अभिनव भारत कहा गया। दोस्तों जहां भी अभिनव भारत की बात आ जाए तो इसका मतलब वी डी सावकर से रिलेटेड है वो। ठीक है, बीडी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी डी सावकर। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा पद अन्य तीनों से भिन्न है। फ्रेंड्स का आंसर आ जाएगा ऑप्शन अपना डी रसोईया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बुग्याल हिमालय में पाए जाने वाले एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है। दोस्तों हिमालय में जो हमारी पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान है। ठीक है, इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान। अगला क्वेश्चन देखिए, भूतेश्वर मंदिर कौन से जिले में स्थित है। फ्रेंड आपसे पूछा गया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी जींद जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी x1y-1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें से पूछा गया आपका सही कथन कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बाहर से ऑक्सीजन लेने और कोशिकीय आवश्यकताओं के लिए भोजन स्रोतों को अपग्रेडित कर प्रयोग करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, इसका ऑप्शन अपना सी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के पृथक चुनाव का प्रावधान करता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में यह जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। दोस्तों मतलब पूछा गया आपसे हरियाणा किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिरसा में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है, आप सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ठीक है, अपना प्राचीन काव्य कौन सा दोस्तों, ऋग्वेद है, जो कि हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य माना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की थी। इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी बनाता है। तो फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, 2017-18 के हरियाणा बजट का डेढ़ द्वारा पद रखा गया, इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए वित्त मंत्री। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो अपना मतलब कि बजट होता है हमेशा वित्त मंत्री मतलब करता है इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये हमें विज्ञ मतलब मिलाने हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहण ग्रहियों का कार्य है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वाद का पता लगाना। ग्रहण ग्रहियों का कार्य होता है दोस्तों स्वाद का पता लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रीजनिंग का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 49।
अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी राज रासो डैश डैश द्वारा लिखा गया, पृथ्वी राज रासो फ्रेंड्स ये लिखा गया ऑप्शन बी चंद्र बरदाई द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 फ्रेंड्स हमारा ये, इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा, कवि मालदेव हरियाणा के, फ्रेंड्स ये पूछेगा कि कवि मालदेव किससे रिलेटेड है, मतलब इन्हें मतलब संस्कृत से, अंग्रेजी से है या मतलब कौन से सब्जेक्ट से है, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हिंदी से, ठीक है। जो कवि मालदेव है फ्रेंड्स हिंदी से संबंधित है, हिंदी का कवि फ्रेंड्स ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की राजधानी दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फ्रेंड्स हमारा 30 क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24, ठीक है। फ्रेंड्स 31 क्वेश्चन देखिए, वह धातु जो द्रव है फ्रेंड्स, आपसे ए धातु पूछा गया, अगर आपसे धातु पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा अपना पारा, आपसे पूछा गया ए धातु, तो फ्रेंड्स ए धातु है कौन सी है, बी ब्रोमीन, ठीक है। फ्रेंड्स जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन होती है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैथ क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 33, शिवलिंग की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है, इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी अंबाला में, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक समतल दर्पण से बनाने वाला प्रतिबिंब सदा, आपसे पूछा गया कि एक समतल दर्पण से बनाने वाला प्रतिबिंब सदा कैसा होगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अपना रीजनिंग का, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगलवार, ठीक है। फ्रेंड्स 35 का आंसर है मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राज्य पक्षी है, फ्रेंड्स का आंसर मोर नहीं है, ठीक है, इसका आंसर है ब्लैक फ्रैंकलिन, मतलब काला तीतर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए 37, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है, फ्रेंड्स हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवी भवानी अंबा मंदिर कहां पर है, फ्रेंड्स ये मंदिर जो है अंबाला में स्थित है, ठीक है, देवी भवानी मंदिर अंबा कहां पे है, अंबाला में स्थित है। 39 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सितारा स्मारक की समाधि कहां पर है, इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए ताराचंद जी महाराज के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा को डेस कहा जाता है, फ्रेंड्स हरियाणा को, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, मेरे लिए तो इसका आंसर फ्रेंड्स भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की मृदा को जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसका आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता का संकलन किसके द्वारा किया गया, फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन सी वेदव्यास द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 43, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब होता है, इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आभासी और सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 44, भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द खालिस्तान के सच्चे कारण होता है, दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक अम्ल के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोजन गर्म करने पर खालिस्तान उत्पन्न होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है, सोडियम कार्बोनेट फ्रेंड्स, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कुरुव द्वारा उपजाई गई भूमि को कहा जाता है फ्रेंड्स भूधान्यक, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वायु की गति मापने का यंत्र, इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6वीं सदी के मध्य पंजाब को व्यवस्थित किया गया, फ्रेंड्स का आंसर ऑप्शन डी हुण के द्वारा। दोस्तों 49 क्वेश्चन जो हमारे इसमें से मतलब जो सबसे डिफरेंट है वो आपके छाट के बताना है, ठीक है, इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी 11-10, क्योंकि फ्रेंड्स इन सब में 2 जीरो है, मतलब इसमें 1 जीरो है, इसलिए फ्रेंड्स ये सबसे डिफरेंट इसका हो जाएगा डी आंसर, ठीक है, 11-11-1। इसका अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा डैश डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है, इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी महिला पुलिस स्वयं सेवक। 51 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च राज्य शब्द के निम्न में से विचार करें, इसका फ्रेंड्स आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही है फ्रेंड्स, ऊपर वाला और नीचे वाला फ्रेंड्स, ए और बी दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा मैथ का है, ठीक है, 52 क्वेश्चन, फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 53, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा कौन था फ्रेंड्स, ये मतलब कहां का था, ये था फ्रेंड्स ए थानेसर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन फ्रेंड 55, सॉरी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है 54, एनिड में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धर्म वंश लिंग जाति उत्पत्ति स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा, इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी 15, ठीक है फ्रेंड्स। कई जगह आंसर के में इसको मतलब यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है कि 16 दिया रखा है, बट आंसर फ्रेंड्स 16 गलत है, इसका आंसर ऑप्शन सी 15 आंसर फ्रेंड्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल यह नाभिक का प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में नहीं होता, इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन रीजनिंग का है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 58, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 57,
एक विद्युत बल्ब के एक तंतु द्वारा 20 मिनट के लिए 0.5 A की विद्युत ली जाती है। परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी। दोस्तों हमारा 58 क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उक्त सभी। ठीक है फ्रेंड, ये चारों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी, संभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2016-17 में हरियाणा की GDSP दर कितनी बढ़ गई है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 61 फ्रेंड आपसे पूछा गया, जीएसटी में सभी अखबारी शुल्क वस्तुएं शामिल नहीं है, इसलिए में से विवरण में गैर जीएसटी वाली वस्तुएं ज्ञात कीजिए। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उक्त सभी। ये फ्रेंड्स सभी, इन सब पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा मैथ का है। इसका आंसर फ्रेंड हमारा हो जाएगा -1। फ्रेंड 63 क्वेश्चन देखिए, इन पे फ्रेंड आपको विचार करना है। सांबर झील लवणीय झील है, चिल्का झील मीठे पानी की झील है, वेमनाट झील प्रसिद्ध जल झील है। फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, जो ये सेकंड नंबर पे चिल्का झील मीठे पानी की नहीं, खारे पानी की झील है फ्रेंड्स ये। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है अपने। तो फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए और दो सही है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड्स इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, एक और तीन सही है, ये फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन है मैथ का, इसका आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, M2 - N2 / N2 - M2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा के बीच स्थित है। फ्रेंड हरियाणा मतलब कि कितने डिग्री सेल्सियस पे आता है उत्तरी अक्षांश पे। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश इतिहासकारों में किसने भारतीय इतिहास को तीन भाग तथा हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए, जेम्स मिल ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा मैथ का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 आंसर फ्रेंड्स, 8 आंसर फ्रेंड इसका। ठीक है, 67 का फ्रेंड्स, 68 क्वेश्चन देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता, दोनों मुख आने की क्या प्रियता रहेगी। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी, 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी इंग्लिश है। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सी डैश डैश फ्रॉम फ्लू व्हेन वाज इंटरव्यूड। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी, हैड बीन सफरिंग। ठीक है, 70 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, व्हाई डैश 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 गो टू हॉस्पिटल। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी, डिड यू हैव टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 71 में, वी मेट ए लोट ऑफ पीपल डैश वी वर ऑन हॉलीडे। इसका आंसर फ्रेंड डूरिंग, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 72, खालिस्तान फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट में, इट रेंड ए लोट वी एंजॉयड आवर हॉलीडे। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी, ऑल दो। ठीक है, 73 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा, आई विल बी एट होम खालिस्तान फ्राइडे मॉर्निंग, यू कैन टेलीफोन मी देन। फ्रेंड्स आपको बता दो, आपको जहां भी फ्राइडे मिल जाए या फिर सैटरडे मिल जाए या फिर संडे मिल जाए, फ्रेंड्स के तुरंत बाद ओन आता है, हमेशा ओन प्रीपोजिशन आती है। ठीक है, ओन प्रीपोजिशन हमेशा यूज होगी फ्रेंड्स इन डेज के आगे। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना, आपके नेक्स्ट पेपर में काम आएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एम गोइंग अवे डैश द एंड ऑफ जर्नी जनवरी। इसका फ्रेंड ऑप्शन डी, इन। फ्रेंड्स आपको बता दो, जनवरी या मतलब फरवरी कुछ भी हो फ्रेंड्स, आपके उन सबके सामने इन प्रीपोजिशन यूज होते हैं, इन प्रीपोजिशन। ठीक है, 75 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ए सेंसिबल मैन एज ए रूल कैरियर मच फॉर पब्लिक ओपिनियन। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए, यूजुअली। ठीक है, 76 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ही इज नो जेंटलमैन एट लार्ज लिविंग एज बेस्ट एज ही कैन। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ए पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन। ठीक है, 77 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा, इसमें आपको बताना कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी का, सॉरी फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन 77 का, ऑप्शन सी, अक्वर्ड। ठीक है, सी ऑल ऑप्शन। फ्रेंड्स 78 क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है, इसमें भी आपको ये बताना है। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी, कमेटी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आप मेरे लास्ट में आ जाती है, हिंदी हाथी शब्द का बहुवचन रूप क्या है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी। कई मेरे फ्रेंड्स लगा रखे हैं हाथिया, लेकिन हाथिया नहीं होगा इसका, इसका हाथी ही होगा बहुवचन। ठीक है, अलग देखिए, रसोई का घर, रसोई घर का कौन सा समास है। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी, अव्यय भाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या सीमा सु प्लस आगत स्वागत कौन सी संधि है। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋण संधि। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आदत तय या आदत व्यय आ जाए फ्रेंड्स, वो हमेशा ऋण संधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वीर रस का स्थाई भाव क्या है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो 82 का डी, उत्साह। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अशोक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी, करी। करी जो फ्रेंड्स अशोक का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 84, कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी, प्रति। प्रति कुल जो हो जाता है अपना टोटल शब्द बन जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रति।
दांतों तले उगली चबाना, मुहारे का अर्थ क्या है? इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आश्चर्य प्रकट करना। ठीक है, 86 देखिए फ्रेंड्स, घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाचक में लिखिए। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, घोड़े से चला नहीं जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 87 मेरी बहन स्कूल से आई, इस वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिए। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा कर्तावाचक स्त्रीलिंग एकवचन। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स काम भी कर रही है, स्त्रीलिंग भी फ्रेंड एकवचन भी है, इसका आंसर इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह कौन सा अलंकार होता है? इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, शलेष अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक सही वर्तनी चयन कीजिए। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ना कि ऐसे फ्रेंड्स, ऊपर वाले ऑप्शन दिए गलत दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 90 क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स का ऑप्शन सी, ठीक है, आपको फ्रेंड्स ये मिलान करना है इन सबका। ठीक है, कौन सा 58 है, कौन सा 32 है, इनमें आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।